तो सशिषमानी थोड़ा सा अपने बारे पहले आपका रुचि इस तरफ कैसे लगी और जो आप आज जाके आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं क्या हम भूल गए हैं जीना या क्या हुआ क्या है कि आज मटेरियल सक्सेस तो हमारे पास है लेकिन अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं और एवरीबडी इज़ यर्निंग फॉर दैट पीस एंड एवरीबडी इज़ वांटिंग लॉन्गिंग फॉर हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स में एक अलग किस्म की सोच जो है वो आज नज़र आ रही है सो so बहुत सारे वेरी टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज बात करेंगे सो सबसे पहले तो आपकी रुचि इस तरफ कैसे बनी मुझे लगता है रुचि बनी ही नहीं इट जस्ट है इट इज नॉट के कोई ऐसी इच्छा थी आ, या कोई खोज थी या जीवन में कोई प्रॉब्लम थी ऐसे भी नहीं था नहीं। सब कुछ परफेक्ट था और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी uh, की या मेडिटेशन की कोई जरूरत भी नहीं थी या लगती नहीं थी uh -huh. कि जरूरत नहीं थी उनसे जरूरत नहीं थी लेकिन लगता था कि जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मींस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, तो जिसकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व में स्पिरिचुअलिटी होगी उसको हम कहेंगे स्परिचुअल पर्सनैलिटी अब स्पिरिचुअलिटी क्या तो स्पिरिचुअलिटी आया कौन से शब्द से स्पिरिट राइट तो स्पिरिट की ओरिजिनल क्वालिटी को जो अपने जीवन में लेकर आएगा वो स्पिरिट की क्वालिटी को जो लेकर आएगा वो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट mm -hmm. क्या आत्मा शक्ति कॉन्शियसनेस लाइट उसकी क्वालिटी क्या प्योरिटी सपोज मैं पंद्रह मिनट वॉक करूँ सुबह तो मेरी उतनी ही फिजिकल स्ट्रेंथ बनेगी कोई एक घंटा वॉक भी करता है एक घंटा जिम भी जाता है योगा भी कर लेता है तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी अब जब परिस्थिति आएगी कुछ ऐसा करना होगा या तो बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना होगा या कोई बहुत भारी चीज़ उठानी पड़ेगी या सिर्फ मौसम में परिवर्तन होगा और कोई इन्फेक्शन फैल जाएगी तो मेरी उसको फेस करने की क्षमता और उनकी जिन्होंने रोज़ उसको ले टाइम दिया है मैं अपने आप फर्क हो जाएगा सो हाउ टू क्रिएट जैसे आपने बात जो की क्योंकि इसमें आ जाती है फिर मेडिटेशन की बात जो कुछ समय अपने लिए निकाला जाए थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि सुबह उठ के कैसे वो ध्यान क्योंकि आज ध्यान के बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है और रादर और कन्फ्यूजन बढ़ गया अब खासतौर के ऊपर वेस्टर्न मुल्कों में तो और कन्फ्यूजन बढ़ गया क्योंकि जो भी आता है वो अपना ही कोई टोटका दे के जाता है और ऐसे करो तो ऐसे होगा पर जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी की की बात की, इसके साथ ही ही मैं जोड़ क्या और और डिवोशन भी एक चीज है है या कुछ दो दो लोगों के बीच है, mm -hmm. दो मन के बीच बीच है. हैं मन लेट्स रिमूव पेरेंट चाइल्ड वाइफ एंड जस्ट लुक एट द रिलेशनशिप रिलेशनशिप इज़ बिटवीन टू स्पिरचुलिटी ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ انسان ਬਣ ਸਕੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਯਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰੁਚੀ ਇਸ आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं क्या हम भूल गए हैं जीना या क्या हुआ क्या है कि आज मटेरियल सक्सेस तो हमारे पास है लेकिन अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं और एवरीबडी इज़ यर्निंग फॉर दैट पीस एंड एवरीबडी इज़ वॉन्टिंग लॉन्गिंग फॉर हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स में एक अलग किस्म की सोच जो है वो आज नज़र आ रही है सो so बहुत सारे वेरी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे सो so सबसे पहले तो आपकी रुचि इस तरफ कैसे बनी आ, मुझे लगता है रुचि बनी ही नहीं इट जस्ट हैपेंड जी इट इज़ नॉट कोई ऐसी इच्छा थी आ, या कोई खोज थी या जीवन में कोई प्रॉब्लम थी ऐसे भी नहीं था नहीं। सब कुछ परफेक्ट था और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की या मेडिटेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं थी जी। या लगती नहीं थी कि ज़रूरत नहीं थी उनसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन लगता था कि जरूरत नहीं है जी। क्योंकि जब सब कुछ बाहर ठीक चल रहा हो तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है लेकिन मेरे पेरेंट्स ब्राह्माकु में आए जुड़े और ब्राह्म में हम सब घर पे रहते हैं जी। घर पर रहते हुए हम आधे पौने घंटे के लिए सेंटर पे जाते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए जी। तो वैसे उन्होंने जाना शुरू किया जब माता पिता पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली घर में उसके बारे में बात होती है जी। वो चाहते भी हैं कि बच्चे भी साथ में चलें बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड तो मेरी मदर ने काफ़ी कोशिश की मुझे लेके जाने की लेकिन uh, मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाई लेती थी उससे जी. ना जाने के लिए क्योंकि सम्वर आई थिंक कभी कभी जब हमें कहा जाता है कुछ करने के लिए तो हम में से कुछ लोग उसमें से थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं कि यू कान पुश मी इन टू डूइंग एनी थिंग बट जब मैंने उनके अंदर चेंज देखा एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एक इमोशनली स्ट्रॉग पेरेंट यू नो एक पेरेंट जो पहले चिंता करता था एक पेरेंट जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है एक पेरेंट के उस टाइम जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे कि अगर बच्चा आधा घंटा लेट आ जाए तो पेरेंट तो वो आधे घंटे में क्या कुछ न सोच ले जी. तो ऐसे पेरेंट से शिफ्ट होकर एक बहुत स्ट्रोंग स्टेबल एंड यहाँ तक कि अगर बच्चों के जीवन में भी कोई क्राइसिस आ गई तो वो पेरेंट स्ट्रोंग तो ऐसा परिवर्तन ऐसा शिफ्ट जब मैंने उनमें देखा तो आई फेल्ट कि डेफिनेटली कुछ There तो मिला है जी. कुछ मिला है तो बस वो इंस्पिरेशन से आई ओनली वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट कि वो क्या है तो उसको देखने के लिए जैसे कि मैं सेंटर पे गई फिर मेडिटेशन शुरू किया सीखना शुरू किया ग्रेजुअल uh, जर्नी है कि धीरे 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 आप करते हो mm -hmm. जैसे आप वॉक करना शुरू करो या एक्सरसाइज करना शुरू करो तो धीरे धीरे ताकत बढ़ती है और uh, थोड़े दिन के बाद वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है mm -hmm. स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है सुनना वैल्यूज़ वर्चूज़ पर जब सिर पे पड़ती है तब हम भाग जाते हैं ऑनेस्टी इंटेग्रिटी की हम बच्चों को सिखाते हैं लेकिन एज एग्जांपल्स हम उनके सामने नहीं आ रहे और शायद यही बड़ा कारण है कि आज समस्याएं बढ़ रही हैं तो स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस कैसे अडॉप्ट की जाए और एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या इज़ ए जस्ट सिटिंग फॉर सम टाइम अलोन स्पेंडिंग टाइम विद योर और प्रैक्टिसिंग इट इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ स्परिचुअलिटी मीन्स स्परिचुअल पर्सनैलिटी तो जिसकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व में स्परिचुअलिटी होगी उसको हम कहेंगे स्परिचुअल पर्सनैलिटी अब स्परिचुअलिटी क्या तो स्पिरिचुअलिटी आया कौन से शब्द से स्पिरिट राइट right. तो स्पिरिट की ओरिजिनल क्वालिटी को जो अपने जीवन में लेकर आएगा वो स्पिरिट की क्वालिटी को जो लेकर आएगा वो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट mm -hmm. क्या आत्मा शक्ति कॉन्शियसनेस लाइट उसकी क्वालिटी क्या प्योरिटी पीस लव हैप्पीनेस। तो आप स्पिरिचुअल हैं या नए हैं ये कैसे डिसाइड होगा अगर आप आत्मा के निज गुण पवित्रता सुख शांति प्यार ज्ञान को अपनी हर सोच बोल और कर्म में लेकर आते हैं तो आप आत्मा के गुणों को अगर कर्म में लेकर आ रहे हैं क्वालिटी ऑफ द स्पिरिट इन टू एक्शन इस स्पिरिचुअलिटी अब उसको लाने के लिए आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है क्योंकि ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग उस क्वालिटीज़ को नहीं लेकर आ रहे हैं जी. तो सपोज़ मैं एक परिवार में रह रही हूँ जहाँ चार लोग हैं और चार में से तीन गुस्सा करना बहुत ईजिली कर देते हैं एक चिंता बहुत ईजिली कर देता है दूसरे के अंदर डर का संस्कार है तो वो अपने प्यार खुशी आनंद को कर्म में नहीं लेके आ पा रहे अब अगर मैं इस तीन के बीच रहूँ तो उनकी वाइब्रेशन का असर मुझ पर पड़ना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे मेरी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी तो जो आपने कहा इस परचुअलिटी अबाउट सिटिंग हाफ एन आवर सेपरेटली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटिंग हाफ एन आवर सेपरेटली इट्स लाइक जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए आधा घंटा रख देते हैं जी क्यों रखते हैं क्योंकि आपको उसको सारा दिन यूज़ करना है mm -hmm. लेकिन सारा दिन यूज करने के लिए सुबह रखना तो पड़ेगा उसको जी. चार्जर के साथ इसीलिए जब हम आधा घंटा ज्ञान की स्टडी करते हैं सही सोचने का तरीका और परमात्मा के ज्ञान को भरते हैं अपने अंदर और मेडिटेशन करते हैं विच मीन्स कॉन्टम्प्लेट ऑन इट एंड देन विजुअलाइज हाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट टुडे थ्रू आउट द डे जी तो वो आधा घंटा है तो वो आधा घंटा स्टडी और मेडिटेशन के लिए है उससे जो पावर क्रिएट होगी उसको सारा दिन कर्म में यूज़ करना है mm -hmm. तो अब अगर कोई बात आई और अगर हमने गुस्सा कर दिया तो हम नॉट स्पिरिचुअल। अगर हमने पीसफुली रिस्पॉन्ड कर दिया तो स्पिरिचुअल। जी अगर किसी ने कुछ कह दिया हम हर्ट हो गए नॉट स्परिचुअल स्टेबल रहकर एक्सेप्ट किया स्पिरिचुअल सो दैट्स हाउ एट एवरी मोमेंट वी आर ईदर स्परिचुअल

आ सके कि जब हम उस चीज़ को फेस करें और तब हम उसको स्ट्रांगली रिबफ कर सकें या उसको हम आ, अपने तरीके से जो हमारा मन कहता है उसको अगर हमारा मन स्ट्रांग हो गया है तो हम उस चीज़ को एज अ ऑब्जर्वर सिर्फ देखें और उसके अंदर फंस ना जाए इसको फिजिकल लेवल पे लेते हैं जी हम सबकी शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं है जी राइट सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उतना एक जैसा अपना ध्यान रखते नहीं हैं सपोज uh, मैं पंद्रह मिनट वॉक करो सुबह तो मेरी उतनी ही फिज़िकल स्ट्रेंथ बनेगी कोई एक घंटा वॉक भी करता है एक घंटा जिम भी जाता है योगा भी कर लेता है तो उसकी फ़िजिकल कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा होगी अब जब परिस्थिति आएगी कुछ ऐसा करना होगा या तो बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना होगा या कोई बहुत भारी चीज़ उठानी पड़ेगी या सिर्फ मौसम में परिवर्तन होगा और कोई इन्फेक्शन फैल जाएगी तो मेरी उसको फेस करने की क्षमता और उनकी जिन्होंने रोज उसको ले टाइम दिया है मैं अपने आप फर्क हो जाएगा बिकॉज आई डिड नॉट बिल्ड माई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड समबडी एल्स बिल्ट देयर फिजिकल स्ट्रेंथ सो दे विल बी एबल टू कोप विद दैट सो इजिली एंड आई कैन फॉल इल आई कैन ऑल्सो हैव एक्स एंड पेंस थोड़ा ज़्यादा चल लिया तो इधर दुखता है उधर दुखता है झुकना पड़ गया तो इधर दुखता है बिकॉज मैंने रोज ध्यान नहीं दिया है सेम इज़ ऑन एन इमोशनल लेवल अगर मैं रोज़ अपने आप के लिए वो आधा पौना घंटा निकालू तो मेरा इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा जी स्टैमिना बढ़ जाएगा इमोशनल अब बातें आएंगी झुकना ईजी हो जाएगा एडजस्ट करना ईजी हो जाएगा बात को सहन करना ईजी हो जाएगा परिस्थिति में स्टेबल रहना ईजी हो जाएगा वातावरण दूषित होगा आसपास के लोग सारे गुस्सा कर रहे होंगे लेकिन उस इन्फेक्शन से बचना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि रोज़ सुबह अपना ध्यान रखा है ना इट्स ओनली दैट जैसे हमें फिजिकल पता है स्ट्रेंथ फिजिकल कैपेसिटी सेम फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ इमोशनल कैपेसिटी अभी थोड़े दिन पहले मेरा बड़ा सूटकेस था इंडिया से लाई तो एक ब्रदर आए तो मैंने कहा रुको रुको आप ऐसे उठाना नहीं अपने आप वो no. बहुत भारी है एक जना नहीं उठाना तो ही से सिस्टर मैं रोज़ वर्कआउट किस लिए करता हूँ एंड ही जस्पिकट अप एंड पुट इट दै आई को

कैसे हमारे में वो क्षमता आ जाए कि हम एक्सटर्नल सर्कमस्टानसिस से ना कंट्रोल हो बल्कि हम आ, उन कंट्रोल कर सके उन सर्कमस्टांसिस को और हमारी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रह सके ताकि दुख हो या सुख हो कुछ भी हो तो हम उसकी बहाव में मत बह जाएं बल्कि हम उन सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल कर सके इसके बारे में बात करते हैं जी सिस्टर सो बाहरले जो सर्कम्स्टेंसेज हमें ना कंट्रोल करें अब जैसे मिसाल के तौर पर कुछ होता है तो हम उसी समय अपना संतुलन गवा बैठते हैं तो संतुलन को मेंटेन कैसे रखें कि बाहरी चीज़ें हमें ना इम्पैक्ट हमारे पे डाल सकें कोई भी जो बाहर से चीज़ होती है कोई परिस्थिति सिचुएशन आप एक ही घर में देखिएगा एक ही परिवार में सपोज आप दो लोग भी हैं तो एक ही सिचुएशन में एक जना कहेगा बहुत बड़ी बात है बड़ी बड़ी गल mm -hmm. दूसरा क्या कहेगा सिंपल छोटी right. mm -hmm. सी बात है इसमें कौन सी बड़ी बात थी लेकिन बात तो सेम ही है ना लेकिन सेम बात में एक कहता है बहुत बड़ी बात और एक कहता है छोटी सी बात तीसरा कहता है कौन सी बात ये hmm. कोई बात है ये तो होता ही रहता है <laughs> ऐसा भी कहेंगे तो बात का क्या साइज़ था बात का कोई साइज़ ही नहीं था इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हम कितने पावरफुल हैं right. या कितने वीक हैं अब जो वीक है उसको लगेगा कि बात मेरे ऊपर हावी हो गई विच मीन्स उस बात के आने पर मैंने चिंता क्रिएट की मैंने डर क्रिएट किया मैंने गुस्सा भी क्रिएट कर दिया हो सकता है तो जब मैंने वो सब क्रिएट किया मुझे लगा बात की वजह से मैंने वो क्रिएट किया mm -hmm. तो क्योंकि मुझे लग रहा है बात की वजह से मैंने वो क्रिएट किया तो मुझे लगता है जैसे बात मेरे ऊपर हावी हो गई जो mm -hmm. तो आपने कहा सिचुएशन कंट्रोल्स माय माइंड इट्स नॉट ट्रू एट ऑल सिचुएशन तो मेरे मन को कंट्रोल कर ही नहीं सकती है सिचुएशन तो बाहर की चीज़ है लेट से सिचुएशन अभी है मेरे लिए आप mm -hmm. आप मेरे लिए सिचुएशन है लेट्स से अभी आप कुछ ऐसा कहते हैं जो मुझे अच्छा ना लगे दैट कैन बी अ सिचुएशन राइट तो आपके ऐसा कहने पर मैं हर्ट हूँ गुस्सा हूँ एक्सेप्ट करूँ या इंसल्टेड फील करूँ ये चॉइसेस मेरी है right. राइट ये चॉइस मैंने कहाँ क्रिएट करनी है यहाँ mm -hmm. आपका व्यवहार कहाँ था वहाँ क्या आप मेरे मन को कंट्रोल कर सकते हैं नो no. नहीं तो आप सिचुएशन है माइंड यहाँ है क्या आप मेरे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं नहीं आप सिर्फ अपना बिहेवियर कर सकते हैं यहाँ पर लेकिन आपके बिहेवियर को देख मैंने कैसा सोचा सो so सपोज मैंने वो क्रिएट किया छोटी सी गलती जो मैंने की वो ये थी मैंने कहा आपकी वजह से मैंने ऐसा क्रिएट किया जी। मैंने ये नहीं कहा अपनी कमजोरी की वजह से मैंने ऐसा क्रिएट किया अगर मैंने ये कहा होता उस दिन अपने आप को मैं कितनी कमजोर हूँ मैं इतनी छोटी सी बात पे मुझे बुरा लग गया तो मेरा सारा फोकस किस पर आता अपने ऊपर है ना जैसे मैंने कहा आपको कि वो भैया ने सुटकेस उठा लिया तो मेरे पास दो ऑप्शन है उस टाइम एक ये कहना कि आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि कल ये सूटकेस मैं खुद भी उठा सकूँ वन वे ऑफ लिविंग दूसरा वे ऑफ लिविंग है इतना बड़ा सूटकेस, इतना भारी सूटकेस ही भारी है नो no. वो तो जो है वो है mm -hmm. लेकिन वन रॉन्ग थॉट कैन मेक मी बिलीव दैट इट इज सिचुएशंस विच आर ओवर पावरिंग राइट परिस्थिति बाहर है मन की स्थिति यहाँ है परिस्थिति क्यों कहा जाता है उसको पर स्थिति मतलब किसी और की स्थिति mm -hmm. पर है ना yeah. परिस्थिति है बाहर है ये क्या है स्वस्थिति है तो परिस्थिति स्वस्थिति पर हावी नहीं होती जी स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है अभी आप मेरे साथ कैसे भी बात करें वो मेरी परिस्थिति है जी अगर मैं हर्ट हो गई तो अब परिस्थिति और मुश्किल हो जाएगी राइट लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि आपके पास कोई रीजन होगा और कोई भी रीजन नहीं है तो वो आपका संस्कार है वैसे बात करने का तो मेरी स्वस्थिति ठीक रही तो आगे का रिश्ता ठीक हो जाएगा right. तो स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है द्रूथ लेकिन हमें वो इक्वेशन भूल गया तो हमने कहा परिस्थिति से स्वस्थिति बनती है नहीं। नहीं। संकल्प से सृष्टि बनती है बचपन से सुनते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है तो कौन सी सृष्टि ये सृष्टि मेरा घर मेरा परिवार मेरा काम मेरी सेहत ये मेरी सृष्टि है ये मेरी दुनिया है किससे बनती है yes. संकल्प mm -hmm. हमने क्या कहा हेल्दी होंगे तो हैप्पी होंगे रिश्ते अच्छे होंगे तो हैप्पी होंगे जॉब अच्छा होगा तो तो आई तो जस्ट रिवर्स द इक्वेशन राइट इट्स नॉट इट इज संकल्प से सृष्टि थॉट्स मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी दैट्स राइट जस्ट कीप क्रिएटिंग द राइट थॉट and your thoughts will manifest into reality right but like, if i live the life of a victim which says situations overpower me then i will always keep creating the wrong thoughts but and keep blaming it to the situation mm -hmm. the first thing that spirituality gives us is the power टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट वी आर क्रिएटिंग सिचुएशन एक छोटी सी बात हो सकती है कि आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की या सिचुएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि मेरे घर में कोई यंग फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए सिचुएशन का लेकिन दोनों सिचुएशन में यहाँ क्या फील होना है मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बहन ने मैसेज भेजा फेसबुक पर एंड उसने कहा मेरे तीन साल के बच्चे की डेथ हुई है mm -hmm. अब हम सुनेंगे तीन साल के बच्चे की डेथ हुई है तो तो इससे बड़ी सिचुएशन तो कोई नहीं, नहीं आ सकती right. ना किसी के जीवन वो पेज पर आकर वीडियोस देख देख कर ज्ञान सुनना शुरू किया एंड शी इज राइट बेटर तो परिस्थिति नहीं बदलेगी और ऐसी वाली परिस्थिति तो बदल ही नहीं सकती इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है ये तो एक वैक्यूम है आपके जीवन में जो हमेशा रहेगा right. लेकिन उस वैक्यूम में भी कितना दुख कितना दर्द और जब दुख और दर्द इतना बढ़ जाता है hmm. कि वो सिर्फ दुख दर्द ना रहकर एक डिप्रेशन तक जा सकता है परिस्थिति नहीं बदलेगी हम कहाँ तक जाएंगे अब अगर वो यंग मदर ने भाग्य कैसे बदलता है जी. अगर वो यंग मदर ने अपना ध्यान रखना शुरू किया hmm. बच्चा वापस नहीं आ रहा लेकिन अपना ध्यान रखना शुरू किया बाकी परिवार का ध्यान रख सकती है mm -hmm. और बच्चा है घर पे उसका ध्यान रखेगी right. अपनी सेहत का ध्यान रखेगी तो परिवार को संभालेगी mm -hmm. लेकिन अगर वो कहे मेरा बच्चा गया है मेरे को तो दुखी रहना ही है इसके अलावा मैं अच्छा सोच कैसे सकती हूँ राइट right. तो वो कितने साल तक दुखी रहेगी mm -hmm. उसका असर सिर्फ उस पर नहीं होगा mm -hmm. उसके परिवार पर उसके दूसरे बच्चे पर राइट right. तो परिस्थिति कैसी भी हो इट्स अ चॉइस स्वस्तिथिस आर चॉइस नहीं सिर्फ इट्स आर रिस्पांसिबिलिटी बट व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टुडे आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट बिकॉज आई थिंक द वर्ल्ड इज़ रॉन्ग आई एम नेवर पॉइंटिंग दैट फिंगर टूवर्ड्स मी सो हाउ टू क्रिएट जैसे आपने बात जो की क्योंकि इसमें आ जाती है फिर मेडिटेशन की बात जो कुछ समय अपने लिए निकाला जाए थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि सुबह उठ के कैसे वो ध्यान क्योंकि आज ध्यान के बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है और राधर और कन्फ्यूजन बढ़ गया अब खासतौर के ऊपर वेस्टर्न मुल्कों में तो और कन्फ्यूजन बढ़ गया क्योंकि जो भी आता है वो अपना ही कोई टोटका दे के जाता है और ऐसे करो तो ऐसे होगा बट जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की इसके साथ ही मैं जोड़ दूँ क्या स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन भी एक ही चीज़ है या कुछ और है फिजिकल so हेल्थ के लिए हुँ. आप वॉक भी कर सकते हैं ठीक आप जिम भी जा सकते हैं आप एरोबिक्स भी कर सकते हैं आप योगा भी कर सकते हैं आप प्राणायाम भी कर सकते हैं आप अच्छी डाइट भी खा सकते हैं अच्छी डाइट में भी हर एक की डेफिनेशन अलग अलग होगी hmm. कोई कच्चा फल सब्जी ज़्यादा खाते हैं कोई अनाज खा रहा है कोई कह रहे हैं अनाज नहीं खाना चाहिए कोई कह रहे हैं दूध पीना चाहिए mm -hmm. कोई कह रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए तो देर इज सो मच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब एवरी वन इज राइट क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं राइट right. है ना तो अगर कोई कह रहा है मुझे कि दूध पीने से मेरी हेल्थ अच्छी हुई उसका अनुभव है कोई और मुझे कह रहा है मैंने दूध छोड़ा मेरी हेल्थ अच्छी हो गई वो उसका अनुभव है right. मुझे क्या करना है मुझे अगर करना है एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट mm -hmm. करना है देखना है मुझे सूट किया सूट किया तो कंटिन्यू mm -hmm. नहीं सूट किया तो पुराने तरीकों पर वापस चले जाएंगे राइट right. राइट right? लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या जी mm -hmm. अगर मुझे ने किसी ने कहा दूध पिया तो मेरी हेल्थ अच्छी हो गई तो आपकी हेल्थ में अच्छा क्या हुआ आपके बोन्स अच्छे हो गए hmm. लेकिन अगर मेरे बोन्स ऑलरेडी अच्छे हैं लेकिन मेरे को कोई और प्रॉब्लम है जो दूध छोड़ने से ठीक हो रही सो आई हैव टू हैव क्लैरिटी नो वॉट आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद वाई डू थिंक वी आर गेटिंग कन्फ्यूज बिकॉज वी जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट वट डू आई वॉन्टली मैड में भी बहुत सारे तरीके हैं राइट सो सिर शिवानी हाउ टू ब्रिंग दट कलैरिटी और ब्रह्मा कुमारी इज आर ब्रिंग दैट कलैरिटी आउट्स गो फॉर ब्रेक विल भी बैक एंड लर्न हैज टू हाउ टू ब्रिंग दै कलैरिटी इन आर लाइफ सो दैट वी कैन एक्सपेरिमेंट विद वी वॉन्ट विच इज़ बेनिफिशियल टू अस इस ब्रेक के बाद बात करते हैं वनस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम सिस्टर शिवानी जो साध दे रहे हैं महत्वपूर्ण विषय से गलबात कर रहे हैं जीवन जाच के किस तरीके नाल अपने जीवन में परिवर्तन लियाइए किस तरह अं अपने मास्टर बन सके अपनी डैसटनी दे असी तो अपनी डेस्टनी जड़ी हैगी है शायद कितने होर ही छड़ी हुई है कि जो कुछ होएगा तो उस नी कुछ करा लेकिन हकीकत कलैरिटी किमें आवे तो फिर अपना रास्ता अं आप चुन सीए और इस बारे कुछ जानकारी सिस्टर शिवानी तो जी सिस्टर सो कैसे वो कलैरिटी आए और कैसे हम वो एक्सपैरिमेंट्स कर सकें ताकि हमारा जीवन में भी वो खुशी खेड़ा जिसको हम कहते हैं वो हमेशा रह सके सबसे पहले अपने आप से पूछना है आपको मेडिटेशन से क्या चाहिए जरूरी भी नहीं है कि आपको मैडिटेशन की जरूरत हो बीस साल पहले मुझे नहीं लगता था कि मुझे ज़रूरत है सो वी डोंट नीड टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट जस्ट बिकॉज इट्स द इन थिंग जस्ट बिकॉज एवरी वन टोकिंग अबाउट इट एंड जस्ट बिकॉज इट सीम्स टू बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एवरी वेयर मेडिटेशन नो आई मे नॉट नीड इट सो आई हैव टू फर्स्ट आस्क माई सेल्फ डू आई नीड इट बिकॉज डोंट गो अराउंड लुकिंग फॉर इट इफ यू डोंट फील यू डोंट नीड इट सो वाई इफ आई आस्क माई सेल्फ डू आई नीड इट द नेक्स्ट आंसर दैट कम्स टू मी इज वाई डू आई नीड इट तो किसी को चाहिए थोड़ी देर रिलैक्स होना वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं सुबह सुबह पंद्रह मिनट रिलैक्स हो जाऊँ थोड़ा सा mm -hmm. तो वो सिर्फ़ एक सिंपल चीज़ भी अगर करते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनके यहाँ क्या हो जाता है एक स्टिलनेस आ जाती है यहाँ वहाँ की जो दूसरी चल रही थी सोच बंद हो जाती है तो पंद्रह मिनट एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है पीसफुल रिलैक्स्ड, वेरी इजी, पंद्रह मिनट उसका असर कुछ देर तक रहता है लेकिन बाद में इट्स देर चॉइस कि वो उस पीस और रिलैक्सेशन को कायम रख पाते हैं mm -hmm. या फिर बाहर जाकर कहते हैं लेकिन बातें आएंगी तो टेंशन तो होगी mm -hmm. तो दैट इज़ वन वे आई हैव टू आस्क माई सेल्फ तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं राजयोगा जो हम सीखते हैं सेंट्रल पे ब्रह्माकुमरीज में दैट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ संस्कार परिवर्तन एंड द मेथड टू डू दैट इज कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर क्यों बचपन से हमने सीखा परमात्मा को याद करो yeah. hmm? यहाँ तक सीखा सिमर 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 हुँ. मतलब हर श्वास श्वास में संकल्प संकल्प में उसको याद करो जी. लेकिन ये नहीं किसी ने बताया था क्यों इतना याद करो हुँ. इतना सारा दिन उसको क्यों याद करने की जरूरत है मेरे पास इतने सारे काम है करने के लिए जी. उसको क्यों याद करो जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है जी. अगर मैंने अभी आपको याद किया आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ जुड़ेगी आपके मन की स्थिति का असर मुझे पड़ेगा जी जैसे बच्चे के साथ कुछ हो तो पेरेंट को घर बैठे पता चल जाता है कई बार क्योंकि बच्चा वहाँ दर्द में था पेरेंट उसको याद कर रहा था तो उसने वो दर्द की वाइब्रेशन को क्या कर लिया कैच कर लिया जी अगर मैं यहाँ बैठे अभी किसी को याद करूँ अगर, अगर उनका मन उधर उदास होगा मुझे फीलिंग आएगी किसी को याद करूँ जो नाराज होगा उसको याद किया तो वो फीलिंग आएगी तो हम लोगों को इतना ज्यादा याद कर रहे हैं इस टाइम तो उनके जो मन की फ्रीक्वेंसी है ना उसका असर हमारे ऊपर पन्ना शुरू हो जाता है अब उसको याद करो जी. क्यों याद करो शांति का सागर है प्यार का सागर है ओशन ऑफ लव ओशन ऑफ पीस ओशन ऑफ पावर राइट तो उसको याद करने से क्या होगा मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्ट हो जाएगी सो अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड नॉट जस्ट फ्रॉम हेयर राइट नॉट फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले कभी कभी क्या होता था यहाँ से करते थे पूजा पाठ हाथों से भी करते थे hmm. लेकिन कभी कभी मन कहीं और चला जाता था तो मैं अगर दिया भी जलाऊँ अगरबत्ती जलाऊँ पूजा भी करूँ जाप भी करो प्रार्थना भी करूँ विच इज़ वेरी नाइस लेकिन वो करते हुए ये भी तो वही होना चाहिए ना ये अगर बीच में ऑफिस भी चला गया और घर पे भी सोच के कुछ आ गया तो चार्जिंग कैसे होगी hmm. तो आई एम praying, but the the mind mind is thinking of somebody else. Right. So if the mind is thinking of somebody else, I will still catch the same emotion. Hmm. आपने कहा devotion. आज हम उसके लिए भी कई बार stress create कर देते हैं right. जागरण करना है पाठ करना है हवन करना है प्यार से करना चाहिए Hmm. भावना से करना चाहिए कभी कभी हम उसमें भी कंपेरिजन कर लेते हैं उनके घर पाठ किया था तो कैसे वाला था <laughs> उधर था तो कैसे वाला था right. उसमें स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं ये भी लाना ये भी तो फिर चार्जिंग कैसे होगी राइट right. तो डिवोशन इज ब्यूटिफुल बट डिवोशन फ्रॉम हेयर नॉट हेयर तो यहाँ करते हुए हेयर सो वॉट वी डूइंग इन मेडिटेशन इज कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर स्टडिंग द ज्ञान डेली रोज ज्ञान को स्टडी करें और परमात्मा से जुड़ने का विधि सीखना पड़ता है लेकिन जी. उसी के लिए हम सेंटर पर आते हैं सेंटर mm -hmm. पर हमें मेडिटेशन सिखाया जाता है वी टॉट हाउ टू डू इट कि उसको पहचानो और वो कौन है वही जिसको हम सब याद करते आए निराकार mm -hmm. निराकार से संबंध जोड़ना जी. जब निराकार से संबंध नहीं जुड़ रहा था हम कोई ना कोई आकारी में फंसे है ना? वी ऑलवेज नीडेड अम ह्यूमन फॉर्म दे वर सेंट्स वर गुरुज वेरी प्योर एलिवेटेड सोर्स लेकिन वो देव थे mm -hmm. धर्म थे परमात्मा नहीं था right. और उन सब ने भी क्या कहा था उससे जुड़ो। एक बिल्कुल hmm. वो वो है। 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 जोड़ने आए थे hmm. क्योंकि उनका अनुभव वो था कि जब वो उससे जुड़े तो उनकी शक्ति क्या हो गई बढ़ गई तो उन्होंने हमसे क्या शेयर किया उससे जुड़ो लेकिन हम उससे जुड़ने की बजाय कभी कभी किससे जुड़ गए उनसे जुड़ गए बिल्कुल उनसे जुड़े तो फिर हमारी चार्जिंग नहीं हुई सो दैट इज मेडिटेशन राइट रिकॉग्नाइजिंग द फादर कनेक्टिंग टू हिम एंड देन अब्सॉर्बिंग हिज पावर ज्ञान एंड विजडम इन अस एंड देन यूजिंग इट इन डेली लाइफ दैट्स राज योगा मेडिटेशन राइट एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो बात की कनेक्शन भगवान को याद रखना जिस भी नाम से हम पुकारें लेकिन आम तौर के ऊपर जब की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हम माउथ से ही कर रहे हैं और आज अलग अलग विधियाँ बताई जा रही हैं पर जब हमने आप कहते हैं भगवान को याद करो या हर एक कोई कहता है सो भगवान को याद करने का मतलब कि क्या वो गुण जो हैं वो वर्चूज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको हम अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस yes. करें आप शांति के सागर के बच्चे हैं तो हम अशांत कैसे रह सकते हैं लेकिन शांति के सागर के बच्चे अगर उसके साथ कभी रहे ही नहीं सपोज आपका पेरेंट एक दूसरी कंट्री में है जी। और आप यहाँ हैं आपके पेरेंट बहुत रिच है बहुत 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 अमीर है उनके अपने देश में तो पूरा शहर ही उनका है लेकिन आप उनको छोड़ के आ गए जी। और छोड़ के सिर्फ फिजिकली नहीं आ गए आपने उनके साथ कनेक्शन ही छोड़ छोड़ दिया जी। फिर यहाँ तो हो सकता है आपके पास कुछ ना हो अब आपका पेरेंट कहे बच्चा मेरा जो है वो सब कुछ तेरा है लेकिन कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा उससे कनेक्शन ही जोड़ छोड़ दिया यहाँ तक कि माँ बाप कोई भूल गए तो माँ बाप का वर्षा बच्चे को मिलेगा कैसे तो उसको कहते हैं परम पिता उसको कहते हैं तुम तो मात पिता हम बालक तेरे।, तेरे तो मात पिता का वर्षा क्या है वो शांति का सागर है लेकिन कनेक्शन टूटा हुआ है right. इसीलिए हम कहते हैं हम तो अशांत है

थोड़ी रिलेशनशिप्स की बात करें आज समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई कि आज रिलेशनशिप्स में वो संबंध नेड़ता जो थी वो ख़त्म होती जा रही है घरों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ख़ास तौर तो पर बच्चों के साथ हमारा जो संबंध है उसमें इन मुल्कों के अंदर इंडिया में भी ये चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं चाहे हमें मटीरियल सक्सेस तो बहुत मिल गया लेकिन उसके साथ समस्याएं इतनी बढ़ गई कि हमारे डेढ़ सौ से दो सौ बच्चे इस समय मर चुके हैं यहाँ पे गोलियों से वायलेंस गैंग्स में जा चुके हैं तो हम आज कुछ ना कोई बाहरला सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेम गेम में फंस गए हैं कैसे घर में एक ऐसा सुखावा माहौल बनाया जाए जिसके साथ हस्बैंड वाइफ़ के संबंध माँ बाप के संबंध और बच्चों के संबंध जो हैं वो स्ट्रांग बन सकें और हम उस खुशी की जिसका आप बात कर रहे हैं क्योंकि उस विरसे के साथ हम जुड़ सकें जिसके कि हम लेगेसी जिसको हमें मिली उसको कैसे करें जिससे सिस्टर क्या किया जाए रिश्ते दो लोगों के बीच हैं दो मन के बीच है जी लेट्स रिमूव पेरेंट चाइल्ड हस्बैंड वाइफ लेबल एंड जस्ट लुक एट रिलेशनशिप रिलेशनशिप इज बिटवीन टू माइंड टू सोल्स दोनों का सही सोचने का तरीका एक सुंदर रिश्ता बनाता है बिल्कुल हाँ huh? दोनों में से एक भी अच्छा सोच ले तो रिश्ता अच्छा बन जाएगा जी ठीक है लेकिन दोनों की आंतरिक शक्ति क्या होनी चाहिए बढ़ी रहनी चाहिए रिश्तों को बाहर ठीक करने की जरूरत नहीं है नहीं। वो मेहनत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा जी, अगर आपको अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है आपको अपने घर के माहौल को चेंज करना पड़ेगा एक घर में जो धन आ रहा है वो धन साफ होना चाहिए ठीक वो धन सात्विक धन होना चाहिए प्योर मनी प्योर मनी मतलब मनी कमिंग विद ब्लेसिंग्स आप किन लोगों के साथ काम करते हैं और आप किसके लिए काम करते हैं सब खुश और संतुष्ट होने चाहिए आपसे ऐसे नहीं आपने इधर किसी को डांट दिया उधर डांट दिया फिर जिसके लिए आप काम कर रहे हो उधर भी थोड़ी सी गफलत कर ली तो वो पैसा जो घर आएगा जी। वो दुआओं के साथ नहीं आएगा ठीक अन्न उस धन से खरीदा जाएगा और अन्न का असर मन पे पड़ेगा जी। तो मन स्ट्रांग हो उसके लिए पहले अन्न सात्विक चाहिए उसके लिए पहले धन सात्विक चाहिए आज हमारी प्रायोरिटी धन कमाने पे इतनी ज्यादा हो गई है कि हमने कभी कभी धन कमाने के लिए कुछ भी कर लिया जी। बहुत बड़े बड़ी गफलत नहीं छोटी छोटी भी

कोई किसी को गुस्सा ना कर सके काम की जगह पर ताकि हर एक संतुष्ट रहे प्यार से रहे जब ऐसे काम का माहौल होगा ना जो धन घर आएगा वो दुआओं दुआओं के के साथ आएगा। के साथ धन आएगा आएगा जब धन तो वो जो अन्न जो खरीदा जाएगा उससे वो हाई एनर्जी का हो जाएगा अन्न भी सात्विक खाना चाहिए जब आप छोटे थे बाहर खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था जी। तो आपके लिए खाना किसने बनाया घर में मदर मदर ने खाना बनाया ये तब हमें लगता था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है मतलब मदर ही तो खाना बनाती है और कौन खाना बनाता है लेकिन क्या आज वो उतना है जितना पहले होता था वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई माइंड्स आर गेटिंग अफेक्टेड इज द फूड वी ईट तो आपने और मैंने अपनी मदर के हाथ का खाना दिन में तीन बार खाया है जी अन्न सिर्फ तन नहीं बनाता है अन्न मन बनाता है mm -hmm. जैसा अन्न वैसा, वैसा मन विच मीन्स द वाइब्रेशन विदूड द मदर कुटी विद ब्लेसिंग्स जी हम गुरुद्वारे गए लंगर खाने mm -hmm. उसमें क्या भरा हुआ था परमात्मा की याद mm -hmm. जी तो वो था प्रसाद वो था लंगर वो हमारे मन को क्या देता था सुकून।, सुकून आज लंगर में खाना कितना सिंपल होता है जी फाइव स्टार रेस्टोरेंट में खाना कितना इलेबोरेट होता है लेकिन सुकून कहाँ से मिलता है उस लंगर से उस लंगर से जी। तो क्यों लंगर से सुकून मिला वाइब्रेशन कौन सी थी उस खाने की इसी तरह माँ के हाथ के खाने से क्या मिलता था जी। अब आज हमने तो बाहर कुछ भी खा लिया कहीं भी खा लिया अब हमें लगता है खाना तो खा लिया ना डाइट तो अच्छी ले ली लेकिन किसने बनाया hmm. किस मन की स्थिति में बनाया एंड right. right. जब परमात्मा की याद में खाना बनाएंगे तो खाने वालों का मन भगवान से जुड़ेगा mm -hmm. जब माँ खाना बनाएगी तो खाने वालों का मन परिवार से जुड़ेगा ठीक. जब बाहर पैसे के लिए खाना बनाया जाएगा तो खाने वालों का मन पैसे से जुड़ेगा जी. तो अगर सिर्फ घर वालों को जोड़ना है ना hmm. सबसे पहले सिंपल चीज करना शुरू कर दें घर में रोज खाना बनाएं और घर में रोज खाना खाएं बिकॉज फूड इज बीइंग कुक्ड विद द इंटेंशन ऑफ मनी राइट तो परमात्मा को याद किया hmm. लंगर खिलाया तो लोग भगवान से जुड़े जी. पैसे को याद किया hmm. खाना बनाया तो लोग किससे जुड़ेंगे पैसे right. से ही जुड़ेंगे ना जी. और हम आज पैसों से जुड़ रहे हैं right. तो आज हमें रिश्तों से ज्यादा पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो Absolutely. गया बिकॉज वी ईटन फूड कुक्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी जस्ट शिफ्ट टू ईटिंग फूड कुकड इन द रिमेंबरेंस ऑफ गॉड घर पे लंगर बनाना शुरू करो लंगर कभी कभी क्यों प्रसाद कभी कभी क्यों mm -hmm. सिर्फ गुरुद्वारे में थोड़ी भगवान को याद करके खाना बना सकते हैं जी. घर पे भी बना सकते हैं बिल्कुल. तो घर के फैमिली मेंबर मेंबर खाना बनाएं, mm -hmm. लेकिन फैमिली भी अपनी चिंताओं और प्रॉब्लम में खाना नहीं बनाना जी. वो भी परमात्मा को याद करके ब्रह्मा कुमारीज में हमारा बहुत बहुत, बहुत ब्यूटिफुल एक टेक्निक है वे वी फोकस ऑन द फूड वी ईट वेयर वॉइल कुकिंग द फूड किचन के अंदर

अब किसी कोई सुनेगा बोलेगा वो ये तो बहुत मुश्किल है नहीं ये मुश्किल नहीं है ये बहुत इजी है अगर हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए कि वो खाना खाना नहीं है वो खाना खुशी है वो खाना सेहत है जस्ट स्टार्ट कुकिंग फॉर योर फैमिली और बनाते समय परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति उसका प्यार उस खाने में डालो सबको खिलाओ जी। दिन में तीन बार खिलाओ और सबके मन को भी क्या कर दो उससे जोड़ दो और एक दूसरे से जोड़ दो right. अपने आप सब ठीक हो जाएंगे mm -hmm. <laughs> लेकिन इतना बाहर खाते हैं तो right. mm. oh, सब... right. so, है उस खाने में जा रही है mm -hmm. तो पहले मेरे मेरे जीवन की चिंता ऊपर mm. से जिसके हाथ का खाना खाया उसकी भी चिंता सो विल आई नॉट गेट इमोशनली डिप्लीटेड सो आई नीड दैट फूड विच एनर्जाइजेस मी राइट कभी भी मन परेशान हो या कोई ऐसी वैसी थॉट आ रही हो mm -hmm. सिर्फ एक मिनट रुक के चेक करना हु कुक्ड फॉर मी टुडे एंड जस्ट आस्क देम एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ यू विल फाइंड द कनेक्शन देयर इट्स दैट इंस्टेंट राइट इट्स दैट इंस्टेंट जस्ट लाइक या सो फूड इज वन एस्पेक्ट व्हिच यू हैव मनी 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 फर्स्ट मनी राइट सात्विक सेकंड फूड सात्विक थर्ड सुबह सुबह घर का माहौल नो मीडिया याद जी मेडिटेशन ज्ञान कुछ भी अपने hmm. आप चूज करे आधा घंटा तो धन अन्न और मन जी ये तीन चीजें सात्विक हो गई ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अपने आप हो गया सब कुछ ठीक ठाक उसके बढ़िया हो जाएगा लाइफ बहुत फास्ट हो गई समा नहीं जो आम तौर के ऊपर हम ये कंप्लेन करते हैं कि समा नहीं निकलता बाकी चीज़ों के लिए तो समा निकल जाता है लेकिन मेडिटेशन के लिए या इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि फास्ट लाइफ में हमने बाहर भी जाना है सब कुछ करना है तो आप जैसा जो ये त्याग जो हम कहते हैं कि आपने तो समर्पित कर दिया यू आर गोइंग ऑल अराउंड एंड डूइंग दिस फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी अब एक घर में अंदर ये जो आपने चीज़ें बताई ऑफ कोर्स जहाँ भी भी अडॉप्ट की जाए बहुत अच्छी है लेकिन अगर नहीं हो रही तो क्या यही सिर्फ मेजर कारण होंगे कि आप डिस्टेबलाइज हो जाओगे या आपकी जो थॉट प्रोसेस है क्या सिर्फ खाने से ही या मनी से ही आपकी थॉट प्रोसेस जो रिलेटेड हो चुकी है वहाँ तक ही सीमित रहेगी या इससे और भी कुछ हम बच सकते हैं यानी कि समाज में रहते हुए सुबह जो आपने ज्ञान से अपना दिन शुरू किया राइट वी आर वॉट वी वॉच रीड एंड लिसन जब हमारे पास मीडिया नहीं था जी थर्टी ईयर्स बैक हमारे चैनल्स कम थे राइट आई डोंट नो वॉट हियर लेकिन इंडिया में हमारे पास एक न्यूज yeah. आती थी रात को नौ बजे जी दूरदर्शन पे दूरदर्शन पे आते mm. थी इस समय ट्वेंटी फोर बाई सेवन आती राइट राइट तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई एंड mm -hmm. इस समय पूरे विश्व की न्यूज आती है सो एवरी क्लिक दैट आई डू वेदर इट्स ऑन टेलीविजन और नाउ इट्स ऑन माई फोन सो आई एम वॉकिंग With information right there. Right. So whether it's media, whether it's social media, every click I am reading, watching, listening, mm -hmm. reading, watching, listening. And quality kya Very low. Violence, yeah. terror, mm -hmm. fear, abuse, corruption. और कुछ नहीं तो satire, किसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की भी निंदा कर रहे हैं. तो humour भी जो है polluted हो गया. Right. Because humor now means pulling someone down, criticizing somebody, making fun of somebody. Mm -hmm. So even if I'm reading or listening to that and I think, oh, it's a joke, it's a time pass, it's not. It's mm -hmm. polluting yep. my mind. Right. When we media, social media, हमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं था अपने मन को संभालने के लिए right. लेकिन जब अब इतना इन्फॉर्मेशन है mm -hmm. तो कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए सुबह निकालना पड़ेगा सही इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालने के लिए right. और सारा दिन में इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप की थोड़ी संभाल करे जी. सारा दिन क्लिक, क्लिक 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 लेते गए लेते गए hmm. नहीं जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं mm -hmm. वो मुझे सुननी पढ़नी देखनी नहीं right. क्योंकि व्हाट आई वॉच रीड लिसन इज व्हाट आई विल बिकम आई टेक केयर सो आई विल डिलीट विदाउट रीडिंग इट सिंपल ये नहीं कहना कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है राइट right. एक्चुअली हमारे टाइम की कमी नहीं, नहीं है. है काम उतना है yeah. लेकिन सोच ठीक नहीं होती तो वही काम में बहुत उलझ जाते हैं रिश्तों में उलझ जाते हैं yeah. तो ऐसा लगता है टाइम नहीं है mm -hmm. टाइम आधा घंटा निकालना right. एक महीने दो महीने के बाद आप कहेंगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम है अभी और क्या करना है इट्स नॉट आई एम नॉट द सेंटर एंड घर पे रहते हैं काम संभालते हैं परिवार संभालते हैं लेकिन हम वो आधा घंटा जरूर निकालते हैं एंड right. उस आधे घंटे के बाद हमारे पास इतना टाइम आता है कि हम सेवा में भी कर रहे हैं सो so, मानसिक पोल्यूशन से बचें और प्रायोरिटाइज करें कि हमें इस जीवन में क्या चाहिए जो आपने ये बातें बताई हैं इसके लिए विस्तार में किसी ने जानकारी लेनी हो तो आपकी कोई वेबसाइट जहाँ पे जाके लोग और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पर कैनेडा में ओवरऑल तो इट्स ब्रह्मा कुमारी बट अदरवाइज हियर इट्स वैंकूवर डॉट डॉट सी ए जहाँ पर यहाँ के सेंटर एड्रेस मिलेंगे ना mm -hmm. ताकि सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीख सकते हैं और जब वो वेबसाइट पर आएंगे उनको मेडिटेशन का कोर्स मेडिटेशन का टाइम एंड सब कुछ जो ब्राह्माखो मरीज में होता है प्रोग्राम या मेडिटेशन उसकी कोई भी प्रकार की फीस या चार्जेस नहीं होते इट्स ऑल लाइक गुरुद्वारा ऑल सेवा fix the diamond start learning sister shivani thank you very much for being with us uh, there's much to talk but time doesn't permit and i know you are very busy but thank you for taking out your time and coming over here namaskar thank, th thank, thank you so is thenali karde ji aj das program de the hi smart jis tarah e pura khas segment pure kent da tusi dekh rahe ho is the sister shivani ne ediyan gallan kitiyan ne aao yatan kariye ki assi bhi apne jeevan vich o parivartan lene vich kamyab rahiye ate is vaste je tips inanne dassiyan ne bade simple cheezan ne par inanne nu grahan karke ਆਓ ਚਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5000 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ